कुत्ते ही बोले ये दो शब्द, मुंह से निकली मनोकामना होगी पूरी, बस कर लेंगे एक काम। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसके कारण आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो महिलाओं को आज ही ये गलतियाँ छोड़ देनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि अगर आप भी अपने घर में नकारात्मकता को नष्ट करना चाहते हैं तो सुबह के समय क्या वो एक काम है जो महिलाओं को जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पिछले कई दिनों से आपके घर में सब कुछ गलत हो रहा है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें असफलता मिलती जा रही है, जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, आपको अपने ही घर में घुटन सी होने लगी है और मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, हर तरफ बस नकारात्मक वातावरण बना हुआ है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, मन में बुरे ख्याल आते हैं, कभी परिवार की चिंता और कभी व्यवसाय की, आप इन सभी चिंता और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। आपको बस बोलने हैं कुछ शब्द, वो भी सुबह उठने के तुरंत बाद। हम सभी भगवान शंकर की कृपा दृष्टि चाहते हैं। अगर आप भी उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह उठने के बाद आपको बोलने हैं बस ये दो शब्द। इन दो शब्दों में इतनी चमत्कारी शक्ति होती है कि आपके जीवन से संपूर्ण नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर सकते हैं और आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकते हैं। बस भक्ति पूर्ण भाव से ये दो शब्द बोलें और भगवान शंकर आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन शब्दों के बोलने से बिना पूजा पाठ किए भी आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप ये दो शब्द अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को अवश्य बताएं और उन्हें सुबह उठने के तुरंत बाद इन दो अक्षर के मंत्र को बोलने के लिए कहिए। ये मंत्र उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। तो चलिए जान लेते हैं भगवान शिव शंकर ने ऐसे कौन से मंत्र के बारे में बताया है जो इतना शक्तिशाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों भगवान शिव शंकर और माता गौरी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उन्हें जीवन की हर खुशी देने का प्रयास करते हैं। आप उन्हें प्रसन्न करें और जीवन की हर खुशी को पालें और सफलता की ऊंचाइयों को छू लें। सुबह उठने के बाद आप भगवान शिव शंकर के इस मंत्र का जप अवश्य करें। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो या विद्यार्थी हो, इस चमत्कारी शब्दों का जप करके आप कई प्रकार के लाभ पा सकते हैं। इन शब्दों के जप से आप मानसिक रूप से और भी मजबूत और तीक्ष्ण हो जाएंगे। जो विद्यार्थी इन शब्दों का जप करेंगे उनके मन से नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे और उनका मन पढ़ाई में और भी अधिक लगेगा। महिलाएं अगर सुबह उठते ही इस मंत्र का जप करेंगी तो उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। सुबह सिर्फ ये शब्द बोलें और उनका चमत्कार स्वयं महसूस करें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है? कुछ मंत्र इतने चमत्कारी और शक्तिशाली होते हैं कि उनका जाप करने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। आइए जान लेते हैं कि इस मंत्र का जाप कैसे करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपना घर स्वच्छ और साफ करना चाहिए। साफ सफाई करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साफ सफाई करने के पश्चात मनुष्य को स्नान आदि करके स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। जिन वस्त्र को धारण करके सोते हैं उन्हें स्नान करने के बाद भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। फिर उसके बाद आप एक आसन पर बैठकर भगवान शंकर द्वारा बताए गए इस छोटे से मंत्र का जप अवश्य करें। ये मंत्र है ओम जूम सह। इसे लघु महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से आपकी कुंडली के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो इस मंत्र के जप से आपका व्यापार भी अच्छी तरह से चलने लगेगा। अगर किसी कन्या के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो उन्हें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चमत्कारी मंत्र के जाप से उनके विवाह में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा नित्य सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी हथेलियों के दर्शन करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का अर्थ है कि हमारे हथेली के अग्नि भाग में माँ लक्ष्मी का वास है, मध्य में माँ सरस्वती और मूल भाग में श्री गोविंद का वास है। आप चाहें तो नित्य सुबह इन दोनों मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इससे आपकी मुंह मांगी हर मुराद माँ सरस्वती जरूर पूरी करेगी। इससे आपको अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव महसूस होंगे। दोस्तों एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती है तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन अभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के
के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर एक, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्यास्त से पहले करने चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर दो, कंघी करना। सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती है। नंबर तीन, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर चार, नहाना। घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती है तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। नंबर पाँच, क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोध करती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। नंबर छह, झाड़ू को ना मारे पैर। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी भी नहीं करने चाहिए। नंबर सात, ना रखे झूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी भी नहीं आती, ये गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर आठ, किसी को ना दे सिंदूरदानी। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बे में या सिंदूरदानी में आप सिंदूर लगाती है वो आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में लगाएं, सर पर पल्ला डालकर लगाएं। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां, पैर में पहनी हुई पायल किसी के साथ शेयर ना करें, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा घर में सकारात्मकता का वास हो इसके लिए महिलाओं को ये कार्य जरूर कर लेने चाहिए। सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में इस पानी का छिड़काव करें, इससे घर में लक्ष्मी जी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। इसी प्रकार घर में सफाई करने के बाद गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और वास्तु दोष भागता है। दोस्तों, गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता। दोस्तों, अपने घर में मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं और घंटी भी बजानी चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्प और हार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूल कर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।